जब घर जाती तो एनी से भी मुलाकात होती है और ये बात पहले भी बताई है लोग फिर तो कर देगा वो खाना खाए बगैर मुझे आने नहीं देती मैं साढ़े पाँच साल की उम्र में थी तो मेरे पेरेंट्स की लहदगी हो गई थी वो बड़ा मुश्किल hmm. वक्त था इकरार भाई की फैमिली जो है मतलब कैसा रिश्ता है उनकी मतलब एक जो

तो ऐसा रिश्ता है पहले आज बैठा होता है गेम खेल रहे होते हैं हम डिस्कस कर रहे होते हैं कोल्ड ड्रिंक मुझे और उसको दोनों को बहुत पसंद होती है वो पी रहे होते हैं तो बिल्कुल एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता है जो लोगों को समझ नहीं आता वही बात है शायद सोच सोसाइटी ना सोसाइटी समझती है कि नंद जो है वो तो शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती है तो अच्छी मेरी है खामोश किसी मामले में बोलना ही नहीं उसने और आंटी बहुत अच्छी है आंटी कहीं पर कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है या कहीं कभी की शिकायत भी लगानी होती है तो आंटी को लगा देती सपोर्ट मिलती है बड़ी बड़ी अच्छी खातून है वो माशाल्लाह अल्लाह उन्हें सलामत रखे मतलब एक खातून होती है ना किसी घर में उसका मान होती है सास सु बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल या देवर

खुद ही ठीक करने की कोशिश करती हूँ कहीं साइकोलॉजिकल हेल्प की भी जरूरत होती है तो वो भी खुद की मैं खुद करती खुद करती हूँ कैसे हुँ। करती है ये बताएं ये औरत, औरत को आज की पता होना चाहिए आज की औरत बहुत डिप्रेस है मैं आपको अपनी ये मैं आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से बता रहा हूँ मेरे पास औरतें आई होती हैं मियाँ छह साल से सऊदी अरब है बाहर है मेदा ठीक नहीं हो रहा अब जब उसको फरोलना शुरू करें औरत को पूछना शुरू करें वो मेदे का मसला ही नहीं होता वो टेक्निकली वो डिप्रेशन और एंगजाइटी होती है जो बाहर ही नहीं निकल रही होती सेल्फ हेल्प औरत खुद को कैसे था देखिए सबसे पहले तो ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको इस ज़मीन पर भेजा है तो कोई ना कोई मकसद है जिस तरह जानवर का भी मकसद होता है शातुल लर्स का भी मकसद होता है आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा अल्लाह ताला कहते हैं कि गौर फिक्र किया करो तो ये कर लें उसके बाद जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में मुश्किल लगती है बैठें सोचें कि उससे निकल कैसे सकते हैं मैं एक मिसाल देती हूँ कि मैं साढ़े साल की उम्र में थी जब बच्चा उस तरह ना बात कह सकता है ना समझ सकता है तो मेरे पेरेंट्स की लहदगी हो गई थी वो बड़ा मुश्किल वक्त था बिल्कुल मैं उस वक्त सोचती थी कि हो क्या रहा है समझ नहीं पाती थी ना कह पाती थी कुछ अरसा मैं बड़ी मुश्किल में गुजारा स्कूल में गई बच्चों से नहीं मिलती थी बात नहीं करती थी लेकिन मैंने तवज्जो लगा दी तालीम पर मुझे लगा कि मेरी माँ की मुझे हेल्प करनी है जो इतनी मेहनत से हमें पढ़ा रही हैं लिखा रही हैं सब काम कर रही हैं फिर एक वक्त ऐसा आया मैंने कहा कि मैं कब तक लोगों से दूर रहूँगी सिर्फ इस वजह से कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में उनको बता नहीं सकती और उस दिन मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज़ पार्ट ऑफ़ माई लाइफ दिस इज़ मी दीज आर माई सर्क्रमस्टांसिस मुझे इनसे नजरें नहीं चुरानी जो भी चीज़ें आँखों में आँखें डाल के देखें उसका आ, सामना करें तो जिंदगी आसान होती चली हर चैलेंज को मैं ऐसे ही देखती हूँ हाँ ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती मुझे दुख नहीं होता या मैं रोती नहीं हूँ किसका मिलता है सबसे ज्यादा कंधा अल्लाह ताला 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 अल्लाह अच्छा, अल्लाह अच्छा, मैं that's... पिछले वक्त में कुछ दोस्त अहबाब थे जो बहुत ज्यादा साथ देते थे लेकिन कुछ से मैंने ना एतबार कर सकते हैं कुछ लोगों पे आप बिल्कुल एतबार कर सकते हैं आंखें बंद करके कर सकते हैं लेकिन कुछ लोगों पे बिल्कुल नहीं कर सकते जिंदगी सिखा देती वो है कंधे छुरी की तरह साबित हो जाते हैं बिल्कुल होता है ऐसा बिल्कुल होता है और मैं तो कहती हूँ ऐसा होना अच्छा है जब किसी की हकीकत सामने आए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको पहचान दे दी अल्लाह ने उसकी वरना पता नहीं कितना अरसा ही सब कुछ चलता रहता और शुक्र अदा करें उन लोगों का भी जिन्होंने जिंदगी में आपको सबक दे दिया लर्निंग है ना वो भी आपका उस्तादी ठहरा आपने उससे भी सीख लिया और जो साथ देते हैं उनका तो सद हजार बार शुक्र अदा करें तो मेरी जिंदगी में भी ऐसे तमाम चीजें होती है लेकिन ये ये नेचुरल है आप पे खुशी गम तीन में अकेले लड़ना और और फिर कनायत जाहिर है अल्लाह का कंधा मतलब अल्लाह का सहारा बहुत बड़ा तन है। है। जो है ना मुझे लगता है कि बड़ी ब्लेसिंग है आराम से बैठते हैं सोचते हैं फिर मैं वही अब क्योंकि इस पढ़ रही हूँ इस्लाम को तो बात करूंगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते थे गारे हिरा में देखिए आप इतनी बड़ी हस्ती जब तो आप अकेले बैठ अल्लाह कहता है अपने आप को पहचानो तो मुझ तक जाओगे मजमे में बैठ के आप खुद को नहीं पहचान सकते उसके लिए आपको अकेले बैठना है और फिर जब आप इन चीज़ों के आदि हो जाते हैं ना फिर कभी कभी आपको इतने सारे लोगों की मौजूदगी पसंद भी नहीं आ रही होती आपको वो टाइम चाहिए होता है जिसमें आप अकेले बैठें सोचें लिखें पढ़ें क्योंकि आपने रब को पहचानना है पहले खुद को तो पहचानेंगे उसके लिए वक्त चाहिए